नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स, जो यदि आप आईपीएल के फैन हो तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह की वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूं। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, अब वो कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरे वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 121वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए ताकि ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना ना पड़े और आपको मेरी मेहनत पसंद आए, तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी पहली अपडेट निकल कर आ रही है ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। हम अपने चैनल पर आपको लगातार यह अपडेट दे रहे हैं कि कौन कौन सी वह टीमें हैं जो ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। बहुत सारा बज उनके ऊपर क्रिएट हो रहा है, हालांकि उन्होंने आईपीएल में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था पिछले साल, तब भी बहुत सारी ऐसी टीम है जो उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मैक्सवेल खुद कौन सी टीम में जाना चाहते हैं, कौन सी टीम से खेलना चाहते हैं, इसकी रिगार्डिंग उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलना चाहते हैं और उस टीम से खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि वहां पर उनके जो क्रिकेट के आइडल रहे हैं एबी डी विलियर्स मौजूद हैं और वह उनके साथ खेलना चाहते हैं। तो मैक्सवेल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वह बैंगलोर की टीम से खेलना चाहते हैं। क्या यह किसी तरह का हिंट है कि आरसीबी की टीम उनके कॉन्टैक्ट में चल रही है, ऑक्शन में उनको खरीदने वाली है? इन सभी का जवाब आपको 2 दिन के बाद होने वाले ऑक्शन में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है किंग्स 11 पंजाब की तरफ से। हमने आपको अपने चैनल के ऊपर अपडेट दी थी कि पंजाब की टीम जल्द ही आपको अपनी नाम और लोगों को चेंज करते हुए नजर आएंगे, और अब क्रिक बज के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब की टीम अपना नाम जो है उसे डिसाइड कर चुके हैं। उनका नया नाम होने वाला है पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब से पंजाब किंग्स उनका नाम बहुत ही जल्द किया जाएगा, और उन्होंने बीसीसीआई और एपेक्स बोर्ड से इसकी परमिशन ले ली है। उनकी इस नाम को अप्रूव भी कर दिया गया है। जो हमने आपको बताया था, यदि उनको नाम या लोगो में चेंज करने हैं, उनको यह ऑक्शन की डेट के पहले ही करने पड़ेंगे, यानी कि 18 से पहले करने पड़ेंगे, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए पंजाब के पास बहुत कम दिन बचा हुआ है इस चीज को अनाउंस करने के लिए। और बहुत जल्द ऑफिशियल तरीके से उनके ट्विटर या तो फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर यह नाम और लोगो बदल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। एक एक करके सारी टीमें अपनी अपनी टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट को बता रहे हैं, जहां पर यूट्यूब के ऊपर या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी को और अपने प्लान को बता रहे हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करने वाले हैं। और अब मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच सेन बॉन्ड ने बताया है कि मुंबई इंडियंस की टीम आपको ऑक्शन में शिवम दुबे को टारगेट करते हुए नजर आएंगे। असल में मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को लगता है कि शिवम दुबे की जितनी पोटेंशियल है, अभी तक वह पोटेंशियल पूरी तरीके से निकल कर सामने नहीं आई है, और मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट इस चीज में एक्सपर्ट है कि किस तरीके से नए खिलाड़ियों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से तराशते हैं वह। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम को लगता है कि हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर शिवम दुबे को वह बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और उनकी पूरी पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम ऑक्शन में शिवम दुबे को टारगेट करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। असल में गौतम गंभीर ने आंद्रे रसेल को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आंद्रे रसेल की फिटनेस के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आईपीएल के लास्ट सीजन की बात की जाए तो आंद्रे रसेल काफी ज्यादा टाइम के लिए हमें इंजर्ड दिखाई दिए थे, उनका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो गौतम गंभीर का मानना है कि आंद्रे रसेल के बैकअप के तौर पर कार्लोस ब्रेथवेट या फिर बेन कटिंग्स जैसे खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अपनी टीम में शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह अपने बात पर पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि इस बार 14 के 14 मैच वह नहीं खेल पाएंगे आंद्रे रसेल। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल की नीलामी में लागू होने वाले 2 नए नियमों को लेकर, जिसकी अनाउंसमेंट हमें कल ही देखने को मिली है। तो बात करते हैं उन 2 नए नियमों की। तो सबसे पहला रूल यह है कि अभी तक के नियम के अनुसार मार्की खिलाड़ियों का नाम 3 बार अनाउंस किया जाता था, लेकिन बीसीसीआई ने ऑक्शन के समय को कम करने के लिए यह डिसाइड किया है कि मार्की खिलाड़ियों का नाम 2 ही बार लिया जाएगा, एक बार ऑक्शन के स्टार्टिंग में और एक बार अंत में। दूसरा बड़ा नियम हमें जो बदलता हुआ नजर आया है वह यह है कि साइड स्ट्रेंथ को लेकर अभी तक के रूल के हिसाब से 17 इंडियन और 8 ओवरसी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकते थे टीम्स, लेकिन अब मिनिमम ओवरसी खिलाड़ियों का रूल निकलकर सामने आया है। उसके मुताबिक 5 ओवरसी खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और 5 खिलाड़ियों को अपनी टीम में आपको शामिल करने ही पड़ेंगे, उससे कम आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे कि 2 या 3 या 4 इस तरह नहीं कर सकते हैं, आपको 5 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने ही पड़ेंगे।
चलिए देखते हैं छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रोड सेफ्टी टूर्नामेंट को लेकर। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट आप लोगों को पता होगा वह बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बहुत सारे देशों के लेजेंड्स की टीम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके स्टार्ट होने से पहले ही इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की जो टीम है यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन के नियम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे में वह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड लेजेंड्स और बांग्ला लेजेंड्स दो नई टीमों को शामिल किया गया है और यह रोड सेफ्टी टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल और 21 की नीलामी को लेकर। नीलामी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है 18 तारीख को, जो कि चेन्नई में दिन के 3 बजे से स्टार्ट होगा और आप लोग इसे देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर। तो ऑक्शन तो हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन अब बीसीसीआई ने ट्रेड विंडो को ओपन करने के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं। अभी जो ट्रेड विंडो हमारी क्लोज हुई थी वह आप लोगों ने देखा होगा कि 11 फरवरी को बंद हो गया था और 11 से लेकर 18 तारीख तक यह ट्रेड बंद किया गया था ताकि ऑक्शन के वक्त कोई भी गड़बड़ी ना हो। लेकिन ऑक्शन जैसे ही खत्म होता है यानी कि 18 तारीख की रात जैसे ही आप लोगों को मिनी ऑक्शन क्लोज होते हुए नजर आएगा, वैसे ही बीसीसीआई के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेड विंडो फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 19 तारीख से लेकर करीब करीब 31 मार्च तक चलेगा। और इस ट्रेड विंडो में आप लोगों को बड़े बड़े ट्रेड और ट्रांसफर सारी टीमों के बीच होते हुए नजर आएंगे, जो भी टीम अपने ऑक्शन में खिलाड़ियों से खुश नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही जल्द ही ट्रेड विंडो शुरू होते हुए नजर आएगी। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। नीलामी करीब आ रही है, दिल्ली की टीम तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली की टीम ने ट्विटर पर अपने फैन से पूछा है उन 3 विदेशी खिलाड़ियों का नाम जिन्हें दिल्ली को खरीदना चाहिए। आपको मैं उस पोस्ट की स्क्रीनशॉट यहां पर दिखा दे रहा हूं और आप भी यदि ट्विटर चलाते हैं और आप भी जाकर वहां पर वोट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कौन से विदेशी खिलाड़ियों को उन्हें खरीदना चाहिए और यह कैसे करना है, यह क्या करना है वहां पे, यह प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आप वहां पर जाकर इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है बेन स्टॉक्स को लेकर। आपको बता दें कि यदि आप इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज देख रहे होंगे तो इस दौरान बेन स्टॉक्स ने एक हेड स्टैंड किया था जिसकी आप यहां पर फोटो देख सकते हैं और इस हेड स्टैंड का बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर हैंडल के एडमिन, जो अपने चुटीले अंदाजों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर रहते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने एक पोस्ट किया ट्विटर पर और उस पोस्ट में शब्दों को उल्टा कर दिया गया जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसमें लिखा गया कि यदि आप इन शब्दों को उल्टा पढ़ सकते हैं तो वह आपसे प्यार करते हैं। ज्यादा समझने के लिए आप इस पोस्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर। दूसरे टेस्ट मैच को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है यह कि पहले मैच में करारी हार के बाद भारत ने दूसरा टेस्ट मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया है। भारत ने यह मैच 317 रनों से जीता है। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने महज 164 रन ही बना पाए और इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। और इस टेस्ट मैच को लेकर हमें कल सुबह आपको और भी ढेर सारी न्यूज देंगे, जिसके लिए एक अलग सीरीज चलाते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, उस सीरीज को आप जरूर से जरूर देखें। अभी कुछ दिनों से उस सीरीज में वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन कल जरूर आएगा तो उसे जरूर देखें। दोस्तों यहां से हमारे आज के आईपीएल और क्रिकेट के बड़े अपडेट्स, ऐसे वीडियो हर दिन आपके लिए लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ।